नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद नीतीश कुमार यानी जेडीयू के घर में आग लगने की खबर है। ये आग कोई सामान्य आग नहीं, सियासी आग है, जिसके बारे में पहले से ही आशंका जाहिर की जा रही थी और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कह दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, जेडीयू टूट जाएगी। जो दूसरे के लिए कांटे बिछाता है वो खुद ही उसमें, या खाई खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। अब खबर यह है कि आज जो संसदीय बोर्ड जेडीयू का है, उसके जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे लल्लन सिंह ने मुलाकात की है। लल्लन सिंह जेडीयू के कदावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बहुत नज़दीकी हैं और जब 2019 में मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात आई थी तो आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह की शामिल होने की बात थी, और कोई भी जब भी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चलती थी तो इन दोनों का नाम आता था। लल्लन सिंह भूमिहार कम्युनिटी से हैं और आरसीपी सिंह जो है जिस कम्युनिटी से नीतीश कुमार है, कुर्मी, वहाँ से हैं, और ये उपेंद्र कुशवाहा कोयरी है, जिसको कि लॉ कुश फार्मूला भी बोला जाता है। अब जो खबर आ रही है कि 2 घंटे तक उपेंद्र कुशवाहा के घर पे लल्लन सिंह की मुलाकात हुई है और अकेले दोनों बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब दो राजनेता मिलते हैं तो राजनीति पे तो बात होती ही है, लेकिन लल्लन सिंह ने साथ में ये कहा कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पहले डेवलपमेंट क्या हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले इनके नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके चले गए थे। इनकी अपनी अलग पार्टी थी, आपको याद होगा कि 2014 में जो मोदी कैबिनेट का गठन हुआ था उसमें ये राज्य मंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार तो उधर दूसरी तरफ थे, महागठबंधन साइड में। जब नीतीश कुमार की एंट्री हुई थी तो इनका समीकरण गड़बड़ा गया था, लेकिन पहले चूंकि दोनों साथ काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार ने इनको राज्यसभा में भेजा था, इसलिए जब ये चुनाव बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हारे तो फिर से लॉ कुश फार्मूला बनाने के लिए नीतीश कुमार ने इनको अपने साथ साथ लिया, एक साथ कर लिया और काफ़ी इनको भाव भी दिया कि इनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। अब क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा हैं, तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आरसीपी सिंह पे ये दबाव बनेगा कि एक आदमी एक पद, और उसी के तहत नीतीश कुमार ने अध्यक्ष का पद छोड़ा था, अब आप मंत्री बन गए, अब अध्यक्ष पद छोड़िए। तो अब जब अध्यक्ष पद वो छोड़ेंगे तो उसके दावेदार जो हैं उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष भी दोनों एक ही कम्युनिटी से नहीं हो सकते, तो उसमें उमेश कुशवाहा को छोड़ना पड़ेगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये वहाँ पे राजनीति काम कर रही है और लल्लन सिंह नाराज हैं, इसमें उनके चेहरे से साफ साफ लग रहा है। तो कल जो है यानी कि बृहस्पतिवार को उपेंद्र कुशवाहा की शाम को मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से और उनकी इस पूरे मसले को लेकर के विस्तृत बातचीत हुई थी, वो संदेश उन्होंने हूबहू लल्लन सिंह को बता दिया है। तो बात निकल करके ये आ रही है कि नीतीश कुमार भी जो आरसीपी सिंह ने मेथड स्वीकार किया है उससे खुश नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह अध्यक्ष हैं और उनको अधिकृत कर चुके थे कि आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए बोल तो कुछ नहीं रहा है नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बधाई नहीं दी है और राजनीति संदेशों से चलती है। नीतीश कुमार अपने खासम खास को बधाई नहीं दे रहे हैं सार्वजनिक रूप से, कुछ तो बात है। और लल्लन सिंह को उन्होंने क्या कन्वे किया, क्योंकि जो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं वो लल्लन सिंह भी उतने ही नज़दीकी हैं, एक राइट और एक लेफ्ट हैंड माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक आदमी के पास दो पद हो गया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गया, मंत्री भी हो गया, लल्लन सिंह खाली हाथ झुंझुना बजा रहे हैं, तो वो सब राजनीति जो है अब करवट लेती हुई सी नजर आ रही है। दिख एकदम साफ साफ नहीं रहा है जेडीयू में, लेकिन जेडीयू में अब कलह बढ़ने वाली है। वजह यह है कि और जो लोग मंत्री पद के दावेदार थे उनको भी नहीं मिला, यदि उनमें से दो तीन एडजस्ट हो गए होते तो भी असंतोष कम होता। उधर असंतोष अलग चल रहा है, चाहे संतोष कुशवाहा की बात हो या और चंद्रेश्वर की बात हो, और कई लोग शामिल थे जिनके नाम की चर्चा चल रही थी, और इधर लल्लन सिंह अलग नाराज हैं। तो अब देखते हैं कि जेडीयू में क्या होता है, जो चिराग पासवान ने कहा था क्या वो सच साबित होने वाला है, क्या नीतीश कुमार वाकई में परेशान हैं, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए खाई खोदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुदरत आपके लिए भी खाई की व्यवस्था कर देती है। सियासी खाई की बात हो रही है, ये कोई दुश्मनी और व्यक्तिगत वाली बात नहीं हो रही है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, जो भी पॉलिटिकल अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।